अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है समीर जाहिद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्विचर टेक्नो। तो दोस्तों, आज हम जिस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताएंगे वो ट्रांसपोर्टेशन सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सिस्टम है, जिसमें प्रॉपर इनकी जो है डिटेल्स वगैरह, कंटेनर की सारी डिटेल्स मेंशन होती है, बैकेंड में इनका प्रॉपर अकाउंट चल रहा होता है जिसमें क्रेडिट डेबिट सारी चीज़ें, इनका जो है बैलेंस अकाउंट लेजर सारी चीज़ें इसमें चल रही होती है। तो आज हम आपको इस सॉफ्टवेयर का डेमो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये हमारे पास सॉफ्टवेयर की लॉगिन फॉर्म आ रहा होगा जिसमें मल्टीपल यूजर अपने अकाउंट से लॉगिन होते हैं, ठीक है। एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, बाकी इनकी जो भी ऑपरेटर हो उनको जो है ये एक्सेस दे सकते हैं कि वो खाली जो है बिलिंग कर सकता है या फिर जो है सिंपली जो है इनके अकाउंट लेजर चेक कर सकता है या फिर कोई पेमेंट वाउचर क्रिएट कर सकता है। तो लॉगिन फॉर्म पे आ गया, इसको सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर लेते हैं। जो सॉफ्टवेयर का पासवर्ड होगा एंटर कर लूँगा, उसको कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कंटिन्यू कर लिया। तो ये आ जाएगा सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड जिस पर आपको बता रहा होगा ट्रांसपोर्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी चार्ट ऑफ सर्विस बनाएंगे कि आप क्या सर्विस दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का काम यही होता है कि आप एक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैंने एक कैटेगरी बनाई हुई है सर्विस चार्जेस के नाम से, उसके अंदर मैंने अपनी लिस्ट ऑफ सर्विस बनाई हुई है कि मेरे पास जो है ट्रिप अमाउंट की सर्विस होती है, वेट की सर्विस होती है, ट्रिप लोकल अड्डा टू पी क्यू एक्सलेट जो भी इसकी सर्विस का नाम है। तो यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ तरह की जो है कैटेगरीज बनाई है सर्विस की। अगर आपको कोई सर्विस बनानी हो, सिंपली आपके पास ऐड का बटन है, आप यहाँ पर अपने जो है सर्विस का नाम लिख सकते हैं, सर्विस फ्री कर दिया मैंने, उसके बाद सर्विस की जो डिटेल्स होंगी आप डाल के इसको सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सिंपली मैं अपने कस्टमर क्रिएट करूँगा। यहाँ जाता हूँ मैं अपने कस्टमर्स के फॉर्म के ऊपर, कस्टमर में आ गया, मैंने कस्टमर मेरा क्रिएट है। आपको क्रिएट करना है कस्टमर, सिंपली ऐड का बटन है आपके पास, कस्टमर्स का नाम, उसकी डिटेल, उसके रीजन, सब रीजन एक्सेट जो भी इसकी डिटेल्स होंगी आप यहाँ पर फर्दर इनपुट कर देंगे, देन उस कस्टमर को आप सेव कर देंगे तो ये कस्टमर आपका एक अकाउंट क्रिएट कर देगा। अब इसके बाद आ जाते हैं, मैं इसके बाद एक सर्विस दे रहा हूँ, मैं इसकी सेल इनवाइस नॉन टैक्स जो चार्ज कर लेता हूँ। मैंने कस्टमर सेलेक्ट कर लिया कि मैं जो है जेज शाइप को एक सर्विस दे रहा हूँ, मेरा कस्टमर है, उसके कंटेनर नंबर क्या है बता दूंगा कि यार फला फला कंटेनर नंबर है। ट्रिप डिटेल किया है कि यार ये जो है कराची टू मुल्तान, इसकी डिटेल है ट्रिप की। उसके बाद क्या मैं सर्विस दे रहा हूँ, ये मेरे से वेट की सर्विस ले रहा है, कितने केजी की ले रहा है मैं बता दूंगा, यार 500 केजी वेट है, ठीक है। पर केजी मैं कितना चार्ज कर रहा हूँ उससे, पर केजी जो है मैं इससे 1000 रुपये या 100 रुपये जो भी चार्ज कर रहा हूँ इससे, मैं इसको 100 रुपये कर लेता हूँ। इसके बाद ये आपको बता रहे हैं कि 50,000 रुपये का जो है इसका वेट की चार्जेस है। उसके बाद मैं तो बता दूंगा कि क्वांटिटी जो है ये 23 ड्रम में लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये 23 कार्टन है, ये जो वेट है मेरा 23 कार्टन में जा रहा है। ट्रक नंबर क्या बता दूंगा कि ट्रक का नंबर जो है ये ट्रक का नंबर है। उसके बाद TR नंबर क्या है मैं बता दूंगा कि ये TR नंबर है मेरा। व्हीकल नेम क्या है, कौन सी गाड़ी जा रही है, मैं बता दूंगा कि भाई ये फला फला मेरी गाड़ी जा रही है। उसके बाद रिमार्क्स में आप उसकी कोई भी जो है नरेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। अमाउंट आपको अभी तक इसकी सर्विस की रिसीव हुई है नहीं हुई है, या आप अगर अमाउंट रिसीव कर दिए क्लाइंट ने तो डायरेक्ट अभी यहाँ पर अमाउंट रिसीव कर सकते हैं, बाकी इसके जो है वेकेंट पे लेजर भी चल जाएगा। तो 50,000 रुपये का इसका बिल बन रहा है, इसने मुझे अभी जो है बैलेंस में मुझे 10,000 रुपये इसने दे दिए, ठीक है। बकाया बैलेंस इसका 40,000 रुपये रह गया। अब इसको मैं सिंपली जो है प्रिंट कर दूंगा तो मेरे पास एक प्रिंट निकल के आ जाएगा, आपको दिखा रहा हूँ बिल, जिसमें आपका जो है कस्टमर्स का नाम, उसका एड्रेस, ट्रिप की डिटेल बता देगा, कंटेनर साइज बताएगा, आपको क्वान्टिटी बताएगा कि 23 कार्टन के अंदर जा रहा है ये वेट, और ट्रक नंबर, TR नंबर, उसके बाद CBM आपका जो केजीएस होता है 500 केजीएस जा रहा है, ठीक है। रेट 100 रुपये के हिसाब से जा रहे हैं, अमाउंट इसकी 50,000 रुपये है। तो ये आपकी प्रॉपर एक बिल बन जाते हैं। उसके बाद वेकेंड के ऊपर आपका प्रॉपर एक अकाउंट एजेंट चल रहा होता है। अब मैं अगर देखना चाहूँ जेज शाहिद, ठीक है, तो जेज शाहिद का प्रॉपर मेरे पास अकाउंट एजेंट आ जाएगा उठ के, कि जेज शाहिद को मैंने जो है एक माल भेजा जिसका कंटेनर था, ठीक है, वेट इसका 500 केजी था, जिसके अगेंस्ट में उसने मुझे 10,000 रुपये दे दिए। 50,000 रुपये का बिल था, 40,000 रुपये इसके जो है बैलेंस रह गया था, और ये 300 रुपये इसका पुराना बैलेंस मैंने उठा लिया। तो अब इसका जो नेट बैलेंस है वो 40,300 रुपये इसका बैलेंस है, जो कि आपको वो पेड करेगा। अगर वो आपको अमाउंट रिसीव कर रहा है तो सिंपली मैं जाऊँगा अपने पेमेंट पे, या मैं जाता हूँ ये कैश रिसीव पर आ जाता हूँ। अगर अमाउंट रिसीव कर रहा है तो मैं कैश रिसीव पर आ गया, रिसीव फ्रॉम मैंने कस्टमर कर दिया। यहाँ पर मैं बता दूंगा भाई मैं कैश इन के अकाउंट में डाल लूँ पैसे, कौन मुझे दे रहा है, मुझे जो है ये जेड शेद पैसे दे रहे हैं। जेड शेद का मैंने अकाउंट क्लिक कर लिया, जेड शेद की प्रॉपर ट्रांजेक्शन आ गई, किस इन्वेस्ट के अगेंस्ट दे रहे हैं, मैं इसको ऐप पर व्यू कर लूँगा सिंपली, तो ये इसकी सारी इन्वेस्ट आ जाएंगी जो जो इसकी पेंडिंग इन्वेस्ट होगी। अब मुझे ये जो है 50,000 वाली इन्वेस्ट के अगेंस्ट में अमाउंट रिसीव करवा रहे हैं, तो मैंने इसको डबल क्लिक किया, सिलेक्ट हो गई इसकी इन्वेस्ट, 40,000 रुपये का इसका बैलेंस उठा लिया इसने। अब मुझे इस वक्त दे रहा है ये 30,000 रुपये, 30,000 मैंने इनपुट करके इसको मैंने प्रिंट कर दिया। इसका वाउचर क्रिएट कर सकते हो आप, या इसको आप प्रिंट ले सकते हो। यहाँ पर प्रॉपर आप जो है अपनी सिग्नेचर लेकर
आपने जो क्लाइंट्स को आप प्रोवाइड कर सकते हो ये प्रिंट। तो दोस्तों ये जो है प्रॉपर एक आपका ट्रांसपोर्ट सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको रिपोर्ट्स के अंदर आपको सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी कि आपने डेली की जो है अपनी क्या सर्विसेज सेल की है, ठीक है। आपके व्हीकल लेजर जो आपको देखना है आप उसका लेजर देख सकते हैं कि कितने व्हीकल्स हैं मेरे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक व्हीकल था मैंने जिसको सेलेक्ट किया था, ये व्हीकल है, तो इसकी प्रॉपर ट्रिप बता देगा कि भाई जेड शहर के लिए इस व्हीकल ने काम किया 50,000 रुपये का, और प्रॉपर जो मेरे प्रॉफिट आया है वो 50,000 रुपये ही आया है। क्योंकि ये सारी जो प्रॉफिट की चीज़ें हैं ये प्रॉपर एक आपके अकाउंट से लिंक सारी चीज़ें हो रही होंगी। और अगर आपको ये सॉफ्टवेयर हमारा पसंद आया, फर्दर इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम इस छोटी सी डेमो वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा लगा है तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.futuretechno.com, या आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो है एक बंदा है सेल पर्सन है, वो आपको डेमो के लिए आपकी लोकेशन पर आकर डेमो प्रॉपर दिखा देगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।